इसराइल में कायम रोज़ का सफारतखाना यरूशलम में अपना एक दफ्तर खोलेगा। इस हवाले से सफारतखाने और इसराइली वजारत खारजा के दरमियान एक माहदा हुआ था। इसराइल में कायम रूसी सफारतखाने ने अपने बयान में कहा कि मगरबी यरूशलम में रूस ने एक कतई अराजी 1885 में खरीदा था। कई साल की पेशरफ्त के बाद 18 मई को यरूशलम की म्यूनसिपलिटी के साथ तामीरात के लिए दस्तखत हुए हैं। बयान में कहा गया कि इस अराजी पर कई अमार पर मबनी कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जो सफारत खाने के काउंसलर सेक्शन के तौर पर काम करेगा। रूस के सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि यरूशलम में दफ्तर का क्याम मशरिक वस्ता इतनाज़ा के मुनसफाना हल के लिए हमारे मुल्क की गैर मुतज़लज़ल पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। वाज़ेह रहे कि ज्यादातर ममालिक के सफारत खाने तेल अबीब में है, लेकिन अमरीका ने 2017 में यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया, जिसके बाद 4 मुल्कों ने यरूशलम में अपने सफारत खाने खोल लिए हैं।